नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना, ये गुप्त चीज तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति और माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि इस उपाय को करने के पश्चात आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और खास महत्व यदि किसी को दिया गया है वह कार्तिक पूर्णिमा को दिया गया है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी खुद धरती पर वास करने आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। वेद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र और पवन दिन होता, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शुभ योग, जैसे पूरे 52 तरीके के योग बन रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक अत्यधिक शुभ दिन समझा जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से उन भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है जो ईश्वर के साथ अपनी भक्ति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। इस दिन भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई ज्योतिष उपाय आजमाते हैं। इस दिन खास रूप से विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय आजमाए जाते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन की गई साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दिन आप किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करेंगे, दान करेंगे, तो इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक खास और खास बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन कर लेता है, उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और दान नहीं कर सकते हैं, परंतु इस दिन आप तुलसी पूजन कर लेते हैं या तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके पश्चात ना केवल आपके जन्म जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दरिद्रता और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि यदि आपने पौधे के नीचे कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह गुप्त चीज बांध दी जिसके बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि तुलसी पूजन करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, तो आपकी जानकारी बता दें, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। दूसरी तरफ जो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप जाता है, और जब भी आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी को कोई भी भोग लगाते हैं और उस भोग में एक तुलसी का पत्ता यदि नहीं रखते हैं, तो वह भोग पूरा और संपन्न नहीं समझा जाता है। इसी तरह से जब माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ की जाती है, तो उसके तुरंत पश्चात तुलसी पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक व्यक्ति को तुरंत के तुरंत मिल जाता है। हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र पौधों में एक तुलसी को किया जाता है। इस पौधे को घर में लगाना बहुत शुभ होता है और इसके पूजन से समृद्धि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप अपने घर में ये पौधा स्थान पर लगाती है और नियमित रूप से इसकी पूजा करती है, तो ये सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है,
और इसी वजह से इसे विष्णुप्रिया भी समझा जाता है। ज्योतिष में मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उसमें सदैव माता लक्ष्मी निवास करती है। और दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों धरती पर वास करने आते हैं, इस दिन केवल और केवल यदि आप तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांध दें जिसके बारे में वेद पुराण में लिखा हुआ है, तो केवल इतना ही करने भर से साक्षात आपको विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात मान के चलिए आपको आपके जीवन की समस्त तरह की परेशानी, दिक्कत और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और इस उपाय को करने के पश्चात न केवल आपके बल्कि के पूरे परिवार के जीवन एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपको आपके नवग्रह का राहु केतु का साथ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपके जीवन में आपको किसी भी तरह की धन संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम जिन उपायों के बारे हम आपको बताने रहे हैं, जिसमें आपको तुलसी के पौधे के नीचे एक गुप्त चीज को बांधना है, वह भी सही मुहूर्त पर, ये उपाय आज कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं। और यदि आप भी इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लेंगे तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहा है, भगवान के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाए और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु की, जय लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले उपाय है भाग्य राहु केतु का साथ पाने का महाउपाय। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का, भाग्य का, राहु केतु का, नवग्रह का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के उस तरीके से तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी का आपको तुरंत ही वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, का भाग्य प्रबल हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। ये उपाय आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन में करना है। बस ये कीजिएगा कि पूर्णिमा वाले दिन सुबह उठ जाइएगा, नहा धो लीजिएगा और उसके पश्चात आपको पीले कपड़े पहनना है। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। फिर आपको अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना होगा। ध्यान रखिएगा, मौली धागे दो रंग के आते हैं, एक मौली धागा, एक लाल मौली धागा। आपको केवल पीला मौली धागा लेना है। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है और इस पीले मौली धागे को अपने हाथ में पकड़ने के पश्चात आपको तुलसी पौधे के गमले के 11 परिक्रमा लगाना है, क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके पश्चात इसी पिल्ले मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांध देना है। ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे पर मत बंधिएगा। ये मौली धागा केवल तुलसी पौधे के पर बांध देना है आपको। केवल इतना सा उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है और इतना उपाय करने भर से भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपके नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाएगी, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आप इस कार्य को भी शुरू करेंगे।
उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। ये उपाय यदि आप हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन करेंगे तो भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाए, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में फिर इतना धन आ जाए जिसके पश्चात आपको धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो दोस्तों बस एक छोटा सा उपाय आपको कार्तिक पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात करना है, और ये उपाय करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके मन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको केवल ये करना है कि कार्तिक पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात अच्छी तरीके से नहा लेना है, फिर आपको लाल कपड़े पहनना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, और अपनी लंबाई के बराबर आपको एक लाल मोली धागा लेना है। अब आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। यहां पर सब पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, घी का दीपक पूर्व दिशा में आपको बनाना है। अब आपने ये जो मौली धागा अपने हाथ में लिया है, इस मौली धागे को तुलसी पौधे के सामने अपने हाथों में पकड़ करके बैठना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है एओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, एयूएम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के पश्चात इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले पर बांध देना है। इतना उपाय इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लिया साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आपके जीवन में धन संबंधित हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है भंग, तब ये उपाय न करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में साधा पानी ले और 5 चम्मच नमक डालें, तब आप पोछा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पोछा लगाए तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहें, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वो माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है, इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुहक होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थाई रूप होता है, समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार अवश्य चाहिए। इसी दिन यदि दोस्तों यदि घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में अस्थाई रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है, आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बरपश्चात हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मानव के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं, जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक समाप्त हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना, पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप पश्चात हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें तो माता अन्नपूर्णा का नाम अवश्य ले लें और नमक माथे से लगाकर चूम कर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता, शरीर स्वस्थ हो जाता है, वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता,
कभी बीमार नहीं पड़ता दोस्तों। यदि आप नजर दोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को लग जाती है, बड़ों को नजर लग जाती है, घर के मुखिया को नजर लग जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में डीली वाला नमक लें और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखें और एक छोटा चम्मच आटा डालें तथा आटे का छांस डालें। अब किसी बीमार मनुष्य के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो, बच्चों ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतार कर सर के ऊपर से 7 बार उतार कर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट दोष उतर जाएगी, आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा था अचानक हल्का कैसे हो गया, क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। यदि इस उपाय से नजर ना उतरे तो हमें बताना, यह 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। बरसों से अपने बुजुर्ग तथा हमारी माताएं बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। धर्म शास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर, बुजुर्गों से मिली प्राप्त जानकारी, गुरुओं मिली जानकारी ही प्राप्त और प्रदान करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मानव को सम्मान पूर्वक यश प्रदान करते हैं। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह अवश्य करना। ये उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ 1 कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं, इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं, तभी तो समुद्र के जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे जहां पर मकड़ी के जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं, दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। ये उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा गया ये उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, यदि आप किसी की मैयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझा जाता है, क्योंकि शमशान घाट से जो भी मनुष्य होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो मनुष्य को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है, उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को अवश्य धोना चाहिए। नमक की सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती है। दोस्तों, यदि बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक, आधा चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे दाग धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, दाग धब्बे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए, वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो, और इसे जो भी मानव पिता है उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सुरमा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना भी शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है, इससे हड्डियों का सुरमा बन सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं, आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, सीमित मात्रा में नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और समझा जाता है, इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग अवश्य डालकर रखना चाहिए।
यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लग सकते हैं। आपके घर में राहु काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे, जो बहुत ही गुप्त राज है। यह उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए और ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना जाए, तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम पूर्वक बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन की बीमारियां फैलने का डर 100% समाप्त हो जाता है और बॉडी बहुत जल्दी गलकर नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आज मोहल्ले में बीमारी का खतरा 100% समाप्त हो जाता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु समाप्त हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा, वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। परंतु याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दें। फिर ये प्रक्रिया यदि नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में एक चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी समाप्त हो जाती है। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले पानी से। हफ्ते में एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए, भी अवश्य करें और फायदा और इसका लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय करने भर से माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।